हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एंड एंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल एंड स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच सिपाही परीक्षा के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि बिरसा मुंडा से संबंधित जो प्रश्न बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान माना जाता है, धरती आबा में भगवान के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। तो इनको लेकर प्रश्न हर एग्ज़ाम में, झारखंड के सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनका एक संकलन तैयार किया है, उनको कलेक्ट किया है, और एक झारखंड उत्पाद सिपाही में स्पेशल ब्रांच सिपाही में निश्चय ही मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस मदद करेंगे। तो इसके लिए मैंने 15 से अधिक क्वेश्चन को कलेक्ट किया। तो मैं चलते हैं आगे वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती थी? तो बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान कहती थी, भगवान बिरसा मुंडा। कुछ ऐसे इन्होंने चमत्कार किए थे जिसे जनजातियां सभी लोगों को शराब पीने से मना करते थे, पढ़ाई शिक्षा के लिए जागरूक करते थे, तथा ऐसा माना जाता था कि उनके छूने से कई रोग हैजा इत्यादि और महामारियां ठीक कर देते थे, ऐसी मान्यता थी। और स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था, अंग्रेजों को दिक्कुओं को भगाने के लिए संघर्ष किया, जंगलों में घूमे, अतः जनजातियाँ वहाँ इन्हें धरती आबा में भगवान करती। तो ये आंसर बहुत ही सिंपल है और याद रहने लायक आंसर है, धरती आबा एवं भगवान। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम कर्मी हातू। ये भी हम कह देना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे कि माता का नाम कर्मी हातू था, ऐसे कर्मी हातू, और उनके माता पिता का नाम सुगना मुंडा। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा, निश्चय याद रहेगा, सुगना मुंडा पिता का नाम। अगला क्वेश्चन से, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 को हुई, और रांची के होटवार में बिरसा मुंडा कारागार में अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया था। उनके साथ अन्य समर्थक भी थे, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसा कहा गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि इनकी मृत्यु हैजा के द्वारा हुई, जबकि उनके शरीर में हैजा का कोई लक्षण नहीं था। लोगों द्वारा, जनजाति झारखंड के लोगों द्वारा शक है कि बिरसा मुंडा की उन्होंने हत्या कर दी थी, अच्छा से इलाज नहीं करवाया होगा, तो इस प्रकार से वे शहीद हुए और 3 फरवरी 1900 को उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। और उन इस जेल का नाम बिरसा मुंडा कारागार रखा गया, होटवार रांची में, होटवार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1900 में हुई, यानी कि 25 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना नाम कमाया, इतने सारे कार्य किए, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और स्वतंत्रता सेनानी में अपना नाम अंकित करवाया स्वर्ण अक्षरों में, जनजातियों के लिए, झारखंड के लिए भगवान माने जाने लगे। तो समझिए 15 साल की उम्र में ही इन्होंने इतना कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज़ों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जंगल जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा को, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी जेल में मृत्यु हुई, इसके पहले उनको गिरफ्तार किया गया था चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में, सोते हुए सो रहे थे अपने समर्थकों के साथ, उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है किसी मुखबिर ने उनको ये जानकारी दी होगी, किसी ने गद्दारी की होगी। अगला क्वेश्चन सर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर मैंने पहले दे दिया है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार रांची में स्थित है, यहीं इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, अंग्रेजों ने इनको यहीं रखा था। अगला क्वेश्चन, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था?
तो उल गुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था और मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। उल गुलान का मतलब होता है विद्रोह करना, किसी की बात नहीं मानना और सशस्त्र विद्रोह करना, तीर धनुष इत्यादि लेके अपना आंदोलन चलाते थे, उनका नाम इन्होंने उल गुलान दिया था। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, यहाँ मैंने ऑप्शंस भी दिया है, आप ऑप्शन दे के आंसर भी करें, खुद में वीडियो को रोक करके बाद में आंसर मिलाएं। तो तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, दया मुंडा, मानकी मुंडा। तो मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? तो उन्होंने दानका मुंडा को अपने राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था, दानका मुंडा याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बिरसा मुंडा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पारसनाथ, चिट्टुपाली घाटी, डुम्बारी पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डुम्बारी पहाड़ी। डुम्बारी पहाड़ी बिरसा मुंडा से संबंधित पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातु ग्राम में हुआ था 1875 ईस्वी में, और इसका आंसर उलिहातु होगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस धर्म की स्थापना की? तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म की स्थापना की, और सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए सबको प्रेरित करते थे। ईसाई धर्म में बीच में वो चले गए थे किसी के धोखे में, जहाँ उन्हें शिक्षा दीक्षा भी मिली, लेकिन वे ईसाई धर्म को नहीं माने। बाद में उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की और आदिवासियों को अपने प्रकृति से जुड़ने, सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए प्रेरित करते थे। तो बिरसाइत धर्म इसका आंसर थ्री होगा, इसका आंसर थ्री होगा बिरसाइत धर्म। अगला क्वेश्चन है, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के होटवार जेल में हैजे से हुई। अबुआ दिसुम अबुआ राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? ऑप्शंस दिए रहेंगे इस तरह से, जयपाल सिंह मुंडा, सुगना मुंडा, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर बिरसा मुंडा होगा। बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब कि अपना देश है, अपना क्षेत्र है, तो अपना राज होगा, रानी का शासन नहीं चलेगा, और इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा ने घोषणा की थी, उलगुलान किया था। झारखंड के किस एकमात्र आदिवासी नेता की प्रतिमा संसद भवन में लगाई गई है? ऑप्शंस हैं तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शिबू सोरेन। तो झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा हैं जिनकी प्रतिमा संसद भवन के हॉल में लगाई गई है, इसका आंसर बिरसा मुंडा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी, जेएसएससी, दरोगा इत्यादि सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इनको याद रखना है, सेव कर लेना है, वीडियोज़ को शेयर करना है दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर। तो इस तरह से लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस हमने रिवाइज़ किया है, एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं और ये फास्ट में रिवीजन होगा। तो देखते हैं, बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ क्या कहती थी, धरती आबा एवं भगवान कहती थी, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को हुई, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1875 को हुआ, 25 वर्ष जिंदा रहे, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमको पाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया, तो बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है, होटवार रांची में अवस्थित है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, तो इसके नेता बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था, तो दानका मुंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बिरसा मुंडा से संबंधित है? तो डुम्बारी पहाड़ी बिरसा मुंडा से संबंधित है, और बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातु में हुआ था। बिरसा मुंडा ने किस धर्म की स्थापना की, तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म को चलाया, और किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु है जैसे हुई, रांची के होटवार जेल में हुई थी, और अबुआ राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरकार ने की थी, तो बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया था। झारखंड के किस एकमात्र आदिवासी नेता की प्रतिमा संसद भवन में लगाई गई है, तो बिरसा मुंडा है। इस प्रकार से
तो इस प्रकार से वीडियो समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझाने का प्रयास मैंने किया है। निश्चय है कि ये क्वेश्चंस उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच एग्जाम में आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।